नमस्कार। पूरा विश्व आज अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रहा है, जूझ रहा है इन परिस्थितियों से कि कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन किया जाए। आयुर्वेद में पहले से ही वर्णित है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में दिनचर्या वर्णित है, जिसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसके बाद शौच आदि क्रिया करके आप अपनी बॉडी पर ऑयल लगा सकते हैं, जिसको अभ्यंग बोलते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल स्टोन अप होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस को थोड़ा डिले कर सकते हैं। और इसके बाद नोज में ऑयल डालने के लिए सजेस्ट किया गया है, जिसको नस्य बोलते हैं। डेली दो दो ड्रॉप्स ऑयल या गाय का देसी घी आप दोनों नॉस्टल्स में डाल सकते हैं, जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे आईज के लिए बहुत अच्छा है, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी के लिए अच्छा है, और बायोमास का काम करता है। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इजीली अंदर एंटर नहीं कर सकता। और इसके बाद आप गंडूश कर सकते हैं, जिसको ऑयल पुलिंग थेरेपी भी बोलते हैं, जिसमें मुंह में ऑयल भर के उसको गार्गल्स की तरह चला सकते हैं हम ऐसे, और उसके बाद उसको थूक देते हैं और गर्म पानी से गार्गल कर लेते हैं। इसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और फिर थोड़ी देर रेस्ट करके आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और इसके बाद ऋतुचर्या भी वर्णित है आयुर्वेद में। कुछ बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइट्स और लाइफस्टाइल सीजन के अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। जैसे कि हेमंत ऋतु में हैवी फूड्स लेने चाहिए, इसके बाद वसंत ऋतु में अदरक का पानी एडवाइज्ड है, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में ठंडा भोजन एडवाइज्ड है जिनकी तासीर ठंडी हो, इसके बाद वर्षा ऋतु में शहद एडवाइज्ड है, उसके बाद शरद ऋतु में जब पित्त कुपित होता है तो उसमें शीत आहार एडवाइज्ड है जिनकी तासीर ठंडी हो। तो इस तरह से अगर ऋतु के अनुसार हम भोजन लें और ये सब कुछ करें तो बहुत हद तक स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज ने आयुर्वेद को इसीलिए अपनाया है कि उनका बीमारियों पर खर्चा कम हो और स्वास्थ्य मेंटेन हो सके। इसलिए अगर हम स्वस्थ, सुखी और शांति चाहते हैं, इस समाज में, इस विश्व को ऐसा बनाना चाहते हैं, तो हमें आयुर्वेदिक दिनचर्या, ऋतुचर्या और आयुर्वेद के सिद्धांतों का सद्वृत आदि जो वर्णित किए गए हैं उनका पालन करना चाहिए और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद।